नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज। रुक करते हैं आज के गुजरात की कुछ खास खबरों की ओर। वहीं बड़ी खबर है राधनपुर के कल्याणपुर आंगनबाड़ी में, जहां जागरूक युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई आवाज। आखिर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाग चुका है सिस्टम। दरअसल कल्याणपुरा गांव में चल रहे आंगनबाड़ी के काम में ठेकेदार सहित अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी, जिसके बाद गांव के जागरूक युवाओं ने आंगनबाड़ी कार्य की जांच की मांग की और स्थानीय लोगों ने चालू काम पर रोक लगाने की भी मांग करी। आखिरकार मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो सिस्टम ने एक्शन लेने के लिए अपना कदम पहला उठा लिया है, क्योंकि गांव के जागरूक युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर विरोध करना चालू कर दिया। राधनपुर तालुक के कल्याणपुरा गांव में आंगनबाड़ी में ठेकेदार और मिलीभगत वाले अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक नागरिकों ने अपना पहला कदम उठाया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच हुई और फिर उसके बाद नक्शे के अनुसार एक नए सिरे से काम कर लिए निर्माण शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि कल्याणपुरा आंगनबाड़ी में हुए भ्रष्टाचार पर विरुद्ध 50 से अधिक युवाओं ने तालुका सेवा सदन में एक आवेदन पत्र देने की भी धमकी दी थी और उन नागरिकों द्वारा धरने पर बैठने की धमकी भी मिली थी, क्योंकि गांव के युवाओं का आरोप था कि ठेकेदार काम में मनमानी और लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार मीडिया रिपोर्ट की बोले तो जांच करके सिस्टम को फिर से अवेयर कर दिया गया है। फिर जमीनी स्तर पर अब एक बार काम चालू हो गया है। अब इसके बाद यहाँ के जागरूक युवाओं का क्या रुख है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। राधनपुर से हमारे संवाददाता अनिल रामानुज की रिपोर्ट। गुजरात की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज। वही खबर है गुजरात के समी के दाऊदपुर गांव में, जहां अमरापुर शाखा नहर में 20 फीट का आया गैप, जिस वजह से समी तालुका के दाऊदपुर गांव में नहर में छेद हो गया और इसके चलते अमरापुर शाखा नहर में इतना बड़ा गैप होने के कारण हजारों लीटर नहर का पानी खेतों में बह गया, जिसके कारण किसानों की खड़ी फसलें पानी में बह गई। किसानों के खेत में नहर के पानी के बैकफ्लो के कारण बोई गई गेहूं की फसल में व्यापक नुकसान हुआ, तो वहीं कुछ किसानों की गेहूं, चना सहित अन्य फसलों में नहर का पानी रीसर्कुलेशन होने से सारी फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार के पाप के शिकार अक्सर किसान होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नहरों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। हालांकि नर्मदा निगम की लापरवाही से बर्बाद हुई फसलों के कारण दाऊदपुर गांव के किसानों की हालत और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। राधनपुर से हमारे संवाददाता अनिल रामानुज की रिपोर्ट। वही खबर है कि अरावली से, जहां फिलहाल अरावली जिले में किसानों ने रावी सीजन में गेहूं, चना, लू, चारा, मक्के की खेती की है, जिसके लिए ऐसा माना जाता है कि अच्छे रखरखाव के साथ जब फसल लगभग तैयार हो जाती है तो पानी कृषि के लिए मुख्य संसाधन बन जाता है। किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सिंचाई विभाग ने किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया है, उसके अनुसार मालपुर के वातरक बांध से 3 चरण पूरे हो चुके हैं और आज चौथे चरण का पानी वातरक तट पर छोड़ दिया गया। यह पानी छोड़े जाने पर बायड और मालपुर तालुका की लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। दोनों तालुकाओं के 70 से अधिक गांव की 2000 हेक्टेयर भूमि को पेयजल का लाभ भी मिल सकेगा। ऐसे में इस क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर उठ चुकी है। अरावली से हमारे जयदीप भाटिया की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर है सूरत से, जहां दिन पर दिन सड़क पर गंभीर घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर कामरेज में 2 गंभीर हादसे हो गए। दरअसल एक हादसा कल देर रात पसोदरा पाटिया के पास खड़ी थार कार में सवार एक दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए PP सवानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे एक ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ16W7492 का चालक पूरी तरह से काफी तेजी रफ्तार से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और कामरेज में नवागांव के पास नवसारी से तेज रफ्तार में ट्रक ने नियंत्रण खो दिया। ऐसे में और ट्रक ड्राइवर कूड़ी के सामने जा गिरा। इस दौरान वहां खड़ी इको कार GJ05RB2673 से टकरा गया और घटना स्थल पर तुरंत ही पहुंची पुलिस और ट्रैफिक क्लियर करवाने में जुट गई। बहुत कोशिश के बाद पुलिस ने रास्ता को क्लियर करवाया। फिलहाल कामरेज पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुट चुकी है। सूरत से हमारे संवाददाता राजदीप बारिया की रिपोर्ट। तो ये थी आज की हमारी गुजरात की कुछ खास खबरें। ऐसे ही तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज़।